अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है खैसे होंगे। और जी, आज वैसे मौसम तो यहाँ का बड़ा प्यारा है। ये धूप वैसे अभी निकली है, वैसे धूप नहीं थी, बादल थे यहाँ पे और हवा भी ठंडी चल रही है। तो मौसम पोलैंड का बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे आपको थोड़ा स्ट्रीट का व्यू करवाता हूँ। एक तो ये आईफोन से वो कवर नहीं होती, मतलब वो चेंज नहीं होता डायरेक्शन जो है कैमरे की। देखिए स्ट्रीट का व्यू है, यहाँ पे पोलैंड में हूँ, ठीक है। और अभी बात करते हैं जी, हमारे आज का जो टॉपिक है वीडियो का, वो है जी स्टडी डॉक्यूमेंट। बहुत सारे लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी पोलैंड का अगर वर्क परमिट अप्लाई करना है, क्या हमारी स्टडी होनी ज़रूरी है? अगर हो तो कितनी मतलब होनी चाहिए स्टडी आपकी? कुछ बहुत सारे लोग जो हैं वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है, ठीक है। ज़्यादा जो मैसेज करते हैं कि भाई हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। कई बंदे हैं जिन्होंने एजुकेशन मतलब थोड़ी बहुत की है, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी डिग्रियाँ की हुई हैं। तो ये तीन कैटेगरी के बंदे होते हैं जो मुझे ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं। कुछ वो जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ वो जिन्होंने मतलब 8वीं तक पढ़े हैं, 9वीं तक या मैटर की हुई है वो बंदे, लेकिन कुछ उनके पास मतलब डॉक्यूमेंट ही नहीं है। कि पढ़े थोड़े बहुत हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है। कुछ के पास डॉक्यूमेंट हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास डिग्री हैं। किसी ने FA किया है, किसी ने BA किया है, किसी ने MA किया हुआ है। अलग अलग प्रोफेशन के बंदे मुझे मैसेज कर रहे होते हैं। कोई इंजीनियर, यकीन करें कि पाकिस्तान से एक बंदा वो इंजीनियर था, उसने मुझे मैसेज किया कि मुझे वे उसमें जॉब दिलवा दें पोलैंड के अंदर, मैं इंजीनियर की डिग्री मेरे पास है यहाँ पर। तो मैं हैरान हुआ कि मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे, मतलब जो अच्छी स्किल के भी हामिल हैं, तो वो भी यहाँ वे उसमें आने के लिए तैयार हैं, ठीक है। बाकी वो चलो एक अलग बात है, लेकिन जो ये डिग्री हैं और जो ये प्रोफेशन हाई स्किल वाले हैं ना, तो ये बात याद रखें कि ये यहाँ पे नहीं आ सकते ये लोग एज अ वेयर हाउस वर्कर के तौर पर। आपके अगर स्टडी अच्छी है, आपके पास स्किल है, कोई अच्छी डिग्री है, तो आप उसी डिग्री के मुताबिक ही कहीं जॉब अप्लाई करें, ठीक है। अगर आपके पास अच्छी डिग्री है, अच्छी स्किल है, मतलब इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई भी है, तो वो अगर वे उसमें अप्लाई करेगा, उसको कैसे वीज़ा मिलेगा? उसको कभी भी वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एम्बेसी भी जानती है कि ये बंदा इंजीनियर है, इस बंदे ने BA किया है या FA किया है, ठीक है, पढ़ा लिखा बंदा है, तो वे उसमें क्यों जा रहा है, ठीक है। तो जो बड़ी डिग्री वाले बंदे हैं जिनके पास ज़्यादा स्टडी है, वो वे उसमें अप्लाई मत करें, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं, उनको नहीं कोई रास्ता मिल रहा, तो अपनी ये स्टडी एम्बेसी में शो मत करें कभी भी, ठीक है। कि आपने MA किया है, आपने BA किया है या FA किया है, मैट्रिक तक की सनद जो है वो ओके होती है। इससे ऊपर की कोई डिग्री लगाने की जरूरत भी नहीं होती, और ना लगाएं तो वो बेस्ट है, ठीक है। अब आते हैं वो बंदे जिन्होंने मैट्रिक किया या अंडर मैट्रिक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं जी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी डॉक्यूमेंट उनके पास हों तो उनके लिए भी ओके है, ठीक है। अब वो बंदे आते हैं जिनके जिन्होंने स्टडी नहीं की हुई, ठीक है, जिनके शायद थोड़ी बहुत की भी हो लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, मतलब समझो कि वो पढ़े लिखे नहीं है वो कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एम्बेसी में तो अगर आप कहीं पढ़े लिखे हैं तो आपको साथ में डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते हैं कई दफ़ा। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी हैं स्टडी के, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपका वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगा बगैर स्टडी डॉक्यूमेंट्स के। मैं आपको अपना बता देता हूँ ज़ाती, ठीक है। वैसे कि बहुत कम बंदों को पता, जो मैं जाने वाले थे बंदे मस्कत में रहते, उनको पता था कि मैंने अपने स्टडी डॉक्यूमेंट नहीं लगाए थे, मतलब वो लगा नहीं सका मैं, कुछ मामला ऐसे तो कुछ वजह थी कि नहीं लगा सका था अपने स्टडी डॉक्यूमेंट जब मैंने एम्बेसी में फाइल सबमिट की थी। तो मेरा सिर्फ एक ही वीक पॉइंट था, और मुझे वो यही डाउट हो रहा था कि शायद ये मेरा वीक पॉइंट है जिसकी वजह से शायद मेरा कभी रिजेक्ट हो सकता है। वो कुछ मामला तो ऐसे थे कि मैं नहीं वो अरेंज वो डॉक्यूमेंट्स कर पा रहा था, ठीक है, स्टडी डॉक्यूमेंट अपने। तो बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट थे, मैंने सबके ऊपर अच्छी खासी मतलब सर्च की रखी थी, सब के सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, लेकिन सिर्फ यही एक डॉक्यूमेंट था जो मुझसे अरेंज नहीं हो रहा था। वो कुछ मसले बने थे पाकिस्तान में, तो वो डॉक्यूमेंट थे वो इधर उधर हो गए, बाद में ना उनका रोल नंबर सिर्फ याद आ रहा कुछ ऐसा, तो वो अरेंज नहीं हो पा रहे थे। तो बस यही मेरा एक वीक पॉइंट मुझे नजर आया था तब जब मैं एम्बेसी में गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा स्टैंपिंग हो गया बगैर स्टडी डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किए, ठीक है। लेकिन उसके अलावा मैंने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट किया था, ठीक है, कंपनी की NOC थी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब जो मेन चीज़ें उनको चाहिए थी एम्बेसी को, मैं सब सबमिट किए थे। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ लोगों ने सबमिट किए भी थे स्टडी डॉक्यूमेंट, ठीक है, उनके वीज़ा रिजेक्ट हो गए थे, स्टडी डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट इस वजह से नहीं हो गया वो सबमिट किया उन्हें। मैं वैसे बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप सबमिट कर दो लगी जगह, नहीं करेंगे तो नहीं लगे, ऐसा नहीं होता।
वो एम्बेसी के अपना हिसाब होता है। तो जितने भी लोग हैं अगर उनके पास स्टडी नहीं है, स्टडी डॉक्यूमेंट नहीं है, तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं पोलैंड वर्क परमिट के लिए, ठीक है। तो बाकी जो वीज़ा स्टैंपिंग की बात है वो तो एम्बेसी के हाथ में है, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है चाहे नहीं है। डॉक्यूमेंट तो मैं हर वीडियो में अपनी बताता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट की तरफ ध्यान दिया करें, डॉक्यूमेंट कंप्लीट किया करें, एम्बेसी को मौका ही ना दें कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करें, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करें, हर चीज़ ओके होगी तो इंशाल्लाह आपका जो वीज़ा है वो स्टैंपिंग हो जाएगा। अगर आपके पास स्टडी डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मतलब अपनी स्किल को बेहतर नहीं करना। अगर आपके पास स्टडी फर्ज को नहीं भी है लेकिन आप अपनी स्किल को बेहतर करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करें, ठीक है। मतलब आप थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सीखें लाजमी। अब कई बंदे गलत में कई किसानों से काम करें लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती। फ़र्ज़ करें अगर आप यूरोप आना चाहते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कोई एजेंट आपको वहाँ पर यूरोप में ले जाए तो ये आसान नहीं होता। कोई एजेंट आपको नहीं ले जा सकता, आपको वीज़ा नहीं दिलवा सकता। 25-25, 30-30 लाख, 50-50 लाख लोग लेते हैं आप लोगों से, फिर बाद में वीज़ा भी लगते हैं आप लोगों के और बंदे को बहुत डील करते हैं, ठीक है। आपने ही अपने आप को बेहतर करना होता। ज़रूरी नहीं कि बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकता। सबसे कमतरी का शिकार नहीं कभी होना चाहिए बंदे को। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं वो एक अलग बात है, बोलो वो उस वक्त नहीं हो सका या कुछ भी मामला, बंदे के हर बंदे के मामला अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ नहीं सके तो कोई मसला नहीं, बाद में आप इसको सीखें इंग्लिश को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करें। क्योंकि आप एम्बेसी में अगर जाते हैं तो आपसे अगर कोई सवाल पूछ लेते हैं, मतलब हेलो हाउ आर यू, ठीक है, व्हाट यू डूइंग बिफोर, या कुछ भी ऐसा इंग्लिश में पूछ लेते हैं, तो बंदे को थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, लाजमी होती है। कई दफ़ा आता है वो ना पूछे कुछ भी, ये एम्बेसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अपनी स्किल को बेहतर करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है उनको बढ़ाएं, थोड़ी सी इंग्लिश सीख लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश हाई आती हो तो फिर ही है, थोड़ी बहुत मतलब कहते हैं काम चलाने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए तो वो बेस्ट होता है बंदे के लिए। उसके बाद जो आप काम कहीं कर रहे होते हैं, पिछली कंपनी में काम किए वहाँ से अपना एक्सपीरियंस लेटर लिया करें काम छोड़ने के बाद, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनसे सैलरी स्लिप होगी और ये बाकी डॉक्यूमेंट सारे मैंने बताए हैं बहुत बार वीडियोज़ के अंदर, वो लें। सारे डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करें, स्टडी डॉक्यूमेंट अगर नहीं भी हैं तो कोई इशू नहीं है उसमें, वो मत लगाएं। वैसे भी वो अगर आप लगाएंगे तो वो देखने के बाद उसी टाइम वापस करते हैं, वो रखते नहीं है। स्टडी डॉक्यूमेंट बेसिकली उनके किसी काम का नहीं होता लेकिन वो देख लेते हैं बस, ठीक है। तो इसलिए अगर स्टडी डॉक्यूमेंट ना भी हो तो आपका वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगा। मेरा भी जो वीज़ा स्टैंपिंग है वो स्टडी डॉक्यूमेंट नहीं थे मेरे पास, मैंने नहीं सबमिट किए थे लेकिन मेरा वीज़ा स्टैंपिंग हो गया। तो आप सब लोगों का भी वीज़ा स्टैंपिंग हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।